जहां तक वजीर के एक्सचेंज क्लोज करने की बात है तो ये तो टाइम आने पे पता चलेगा, लेकिन यूजली हमने देखा है कि जब भी ऐसे कोई केसेस होते हैं जहां पर एक्सचेंजेस किसी भी तरह से फंड्स रिकवर नहीं कर पाते तो वो कहीं ना कहीं सुनो लेटर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है एक्सचेंज क्लोज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यूजर ट्रस्ट लूज कर देते हैं और वो अपने क्रिप्टो भी जो है उस एक्सचेंज पे रखना प्रेफर नहीं करते हैं। अब यहीं पर वजीर एक्स पे बहुत सारी चीजें ये डिपेंड करती हैं कि आने वाले टाइम पे क्या वो एडिशनल क्रिप्टो फंड्स रिकवर कर पाते हैं या फिर वो रेज कर पाते हैं। अगर वो रेज कर पाते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट तो फिर भी चीजें यहाँ पर डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये सब अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीजों को आगे हैंडल करते हैं कि नहीं होता है। ऑल्दो उनका बोलना तो यही है कि वो किसी भी तरह से ये नहीं सोच रहे हैं कि वो यहाँ पर एक्सचेंज को क्लोज करें, लेकिन ऐसा हमने पास में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस को बोलते हुए सुना है और इन दी एंड वो क्लोज यहाँ पर हुए हैं। तो अभी के लिए तो पता नहीं है, लेकिन होप यही करते हैं कि कहीं ना कहीं से फंड्स यहाँ पर जो है रिकवर कर दें और या फिर रेज कर लें यहाँ पर और लोगों को यहाँ पर वो पे बैक करें। सबसे पहले आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी वो बनती है, फिर बाद में एक्सचेंज रन करे नहीं करे वो बात की बात यहाँ पर बन जाती है। जिस एक्सचेंज की ओनरशिप को लेके ही इतना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है जहां पर यही नहीं पता ओनर कौन है, सीईओ बोलता है कि हम ओनर यहाँ पर नहीं है, जिस एक्सचेंज की वो बात करते हैं बाइनेंस वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर ओनर नहीं है, तो उसके साथ आप डील कैसे क्लोज करोगे? मतलब कौन है जो डील क्लोज करेगा, ओनर कौन है जो साइन करेगा? तो वही कंसर्न बन जाता है एंड इस कारण से प्रॉब्ली कोई डील तब तक क्लोज नहीं हो पाएगी जब तक इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं आता है। जी एक के बाद एक गलती जो है वजीरेक्स कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने हैक के पहले जो लोग थे वो इम्पैक्टेड थे, वही उन्होंने स्नैपशॉट डेट दी, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत सारे यूजर्स सामने निकल के आए जिन्होंने ये बोला क्योंकि वजीरेक्स के ऊपर 3 दिन तक डिपॉजिट ओपन थे, तो किसी ने 19th को डिपॉजिट किया, किसी ने 20th को डिपॉजिट किया, ये हैक के बाद की बात है। अब उन्होंने INR तो डिपॉजिट कर दिए, लेकिन अब जो वो विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके भी 34% यहाँ पर फंड जो है वो वजीरेक्स ने फ्रीज कर दिए और उनको भी दो दो स्लॉट्स के अंदर 33% दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो यूजर्स है जिन्होंने हैक के बाद डिपॉजिट किया उसमें गलती वजीरेक्स की है क्योंकि उन्होंने डिपॉजिट ओपन रखे थे। काफी यूजर्स को शायद पता भी नहीं होगा एक्सचेंज यहाँ पर हैक हो गया या फिर वो मे बी चीप रेट्स देख के बाय करना यहाँ पर चाहते होंगे, लेकिन स्टिल इन दी एंड उनका पैसा है तो उनको 100% रिफंड होना चाहिए, लेकिन उसमें भी इतना बड़ा मिस जो उनकी तरफ से हो।